ना रोटी सब बंदर को खिला दे दो। अभी तो 7:30 बजे खोल रहे हैं। 1158 ईस्वी से धीरे धीरे पूजा होते आ रहा है। 1158 ईस्वी से अच्छा। मन्नत जो है यहाँ मन्नत लगभग 80-85% पूरी हो जाती है लोगों की मन्नत पूरी होती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक इन योर चैनल VSR ब्लॉगी VLOGEZE। सो ऐसा है कि हम लोग गए हुए थे औरंगाबाद अपने दोस्त की शादी में, और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आफत आने वाली है। वो आफत इसलिए है क्योंकि ये जो जगह है यहाँ लोगों का आना जाना लगभग 1100 ईस्वी से है, जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो 1100 ईस्वी में है, और ये वीडियो स्पेशल क्यों होने वाली है क्योंकि ये वीडियो को जो व्यू है ना वो नेक्स्ट लेवल है। और ये नेक्स्ट लेवल कैसे है, जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत हिलना। सो बने रहें, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो। ओके चलो मिलते हैं। टोटल बाइक से आए हैं यहाँ बिहार, यहाँ तक इस ट्रेन हम लोग कितना किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होंगे, कहाँ से रांची से, रांची से वही करीब 350 किलोमीटर, लगभग 350 किलोमीटर बाइक से ट्रैवल किए हैं हम लोग। का प्लान कुछ ऐसा था कि यहाँ से भी बाइक से जाएंगे, तो यहाँ से बाइक से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि रास्ता बहुत खराब है और इतना ज़्यादा खराब है। कल हम लोग एक शादी में गए थे, मतलब जो एक्सपीरियंस रहा वो नेक्स्ट लेवल था। तो अभी हम लोगों को यहाँ से जाना है तूतला भवानी मंदिर और वाटरफॉल, तो फिर वहाँ चलते हैं। वहाँ चलने के बाद फिर वहाँ का मजे लेते हैं। पहुंच चुके हैं, पार्किंग में लाया है। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा, 10 मिनट का रास्ता है, 10 से 15 मिनट का। अब 10 से 15 मिनट का रास्ता ये बोल रहा है, बट ये देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा रास्ता है। तो चलते हैं, व्यू काफी शानदार है, मजा आता है, और सजा क्या है तो दोनों देखते हैं। यहाँ से भी अपने को जाना है उस सामने वाली पहाड़ पे, एग्जैक्टली पता नहीं कितना किलोमीटर है, बट काफी ज्यादा चलना पड़ रहा है। बट अभी सामने जाके पता चलेगा कि व्यू कैसा है, क्या उस रास्ते से होते हुए अपने को निकलना है। ओके तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तूतला भवानी वाटरफॉल, इको वाटर पार्क बोलते हैं इसको। तो ऐसा है यहाँ का मान्यता कि जो वाटरफॉल होता था यहाँ पे, उसके जस्ट बगल में ही भवानी माता का जो मूर्ति है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद पे प्रकट हुआ है। लोगों का श्रद्धा इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। लोगों का मानना है कि ये एक शक्तिपीठ में से एक है क्योंकि यहाँ इसके स्थापना नहीं किया गया है, ये खुद पे खुद देवी माँ यहाँ प्रकट हुई है। तो बाकी अभी जो हम लोगों को नॉलेज है, अभी हम लोगों के पास यही नॉलेज है। आगे चलते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। और लगभग 20 मिनट हो गया ना हम लोगों को, 20 मिनट से हम लोग पैदल चल रहे हैं। 3 किलोमीटर बोला गया था बट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और जिससे भी पूछ रहे हैं उनका कहना है कि ओनली 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो चलते ओनली 1 किलोमीटर करते करते पता नहीं कितना दूर आ गए। अभी देखो हम लोग कहाँ जाना है, वो जो दिख रहा है वो मुझे लगता है उधर ही जाना है। ये रास्ता ओनली 1 किलोमीटर, ये हाइट है पहाड़ का, मतलब सर उठाने के बाद भी पूरे अच्छे से नहीं दिख रहा।
वाटरफॉल नहीं आ रहा है क्या? अच्छा यही सामने वाला वाटरफॉल है। अच्छा लगभग लगभग हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास। ऐसे चढ़ाना है गुप्ता में पता नहीं, अभी शायद पानी नहीं आ रहा, चलते हैं वहाँ पे, चलने के बाद बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो वाटरफॉल अभी सामने में दिख रहा है काफी चलने के बाद। और यहाँ पे क्या था कि वाटरफॉल जो होता था उसका कोई गारंटी नहीं है कब पानी का बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम होता था, काफ़ी लोग बहते थे, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। तो अभी क्या है कि 22 सितंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे उद्घाटन हुआ है कौन सा झूला का, झूला पुल का। तो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ चल के देखते हैं। बस सामने से वाटरफॉल दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बाकी वहाँ चलते हैं देखते हैं कि सामने का क्या सीन है। आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ से। ये चीज़ मैंने हर जगह देखा है, जहाँ भी शक्ति पीठ या जहाँ भी नेचुरल पावर होता है वहाँ बंदर आपको दिखने को जरूर मिलेंगे। और यहाँ हम लोगों को काफ़ी बंदर दिखने को मिल रहे हैं, क्या भाई? हाँ, जैसे एक ये बंदर इधर। हाँ, बंदर वहीं रहते हैं जहाँ नेचुरल पावर, नेचुरल शक्ति। यार देखो क्या व्यू आ रहा है वहाँ से। ओ फाइनली वी आर हियर, और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है। सो ये है झूला पुल, और सामने से आई डोंट थिंक कि फुटेज में आ रहा होगा, सामने से वाटरफॉल। सो अभी चलते हैं हम लोग झूला पुल पे। सो स्टार्ट हो रहा है यहाँ सब झूला पुल, लेट्स सी अबाउट द व्यू। सो ये झूला पुल, अपन लोग जिस पे अभी झूल रहे हैं, काफी ज्यादा चल रहा है। तो ये है वाटरफॉल, और वो रहा तितला भवानी मंदिर का दृश्य। ये जो पुल है, ये पुल बनाने के पीछे का क्या रीज़न था, क्योंकि ये जो वाटरफॉल होता था, वाटरफॉल होने के कारण इधर से पानी इधर को होके इधर जाता था, और उधर से रास्ता नहीं होने के कारण मैं आपको कुछ पुराने रास्ते दिखाता हूँ। सो इधर से लोग आते थे, इधर से आते थे, इधर को जाते थे, तो ये रीज़न था। अभी पानी लगभग ना के बराबर है, पर जब पानी गिरता था, पानी का फ्लो यहाँ पे, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि पानी का फ्लो मतलब सडनली बढ़ जाता है। तो जब पानी का फ्लो सडनली बढ़ जाता है तो लोग यही ऊंचे पहाड़ों पे रुक जाते थे, क्योंकि माँ का आस्था है तो लोगों का आना यहाँ अनिवार्य भी है। तो इसी कारण से बिहार गवर्नमेंट ने ये चीज़ों को देखते हुए यहाँ ये झूला पुल बनाया। और पुल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है इस जगह की, बट इस झूला पुल के कारण यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, मैंने तो ऐसा व्यू सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मों में ही देखा, बाकी आप लोगों का पता नहीं। ये देखिए, सर पूरा ऊपर करने के बावजूद भी ये चीज़ें प्रॉपर टाइप से नहीं दिख रही है। सो एनीवे चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे चल के आगे का व्यू दिखाते हैं। ये है कुछ So, वहां से ये झूला पहाड़ स्टार्ट होता है और कुछ यहां तक आता है, और यहां से यूं सीढ़ी है मंदिर में जाने के लिए। और ये 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 ये
जा रहे हैं माता के मेन मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, और अगर यहाँ से मैं व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का, सर उठाने के बाद भी नहीं दिखता। वहाँ से जाके मैं एक बार आप लोगों को इधर के व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल हम लोग चलते हैं उधर, उधर जाने के बाद देखते हैं। और इस ट्रिप में मज़ा बहुत आया, होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो। और तो दिखाते हैं आप लोगों को ऊपर चल के, ऊपर के क्या सीन है। थोड़ा थकाने वाला रास्ता तो था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये रहा वो। बताइए बाबा माई के बारे में कुछ, जो पूछना है पूछिए। मैंने ये मूर्ति जो है, ये मतलब यहाँ का लोकल लोग का कहना है कि ये मतलब खुद पे खुद प्रकट हुआ है। सही बात है। तो इसका मान्यता क्या है? माँ की प्रतिमा जो है बिल्कुल पहाड़ में है, माँ के आकार है जी। और इसके बाद आकार जो पहाड़ में देखा गया जी, राजा का राज था, राजा लोग शिकार करने आते थे, अचानक किसी की नजर पड़ा तो माँ की प्रतिमा दिखाई दिया जी। माँ तब माना गया जब नीचे शेर है, शेर पे सवार है। अच्छा। इसके बाद राजा प्रताप धवल के द्वारा 24 मई 1158 ईस्वी को प्राण प्रतिष्ठान किया गया। अच्छा। 1158 ईस्वी से धीरे धीरे पूजा होते आ रहा है। 1158 ईस्वी से? 1158 ईस्वी। अच्छा। धीरे धीरे पूजा होते आ रहा है। अच्छा। और आजकल नेट का जमाना हो गया, चारों तरफ फैल गया। हाँ, क्योंकि दृश्य भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। दृश्य तो काफी खूबसूरत है। मतलब ये लोग जलकुंड है, ऊपर से झरना गिरता है 8 महीना जी, 4 महीना गर्मी के दिन में बंद रहता है। अच्छा, गर्मी के दिन में बंद रहता है। बरसात में देखने योग्य है, नेचुरल जगह है, बहुत अच्छा दिखता है। नाम भी है इको पार्क बोल के, इको पार्क, इको पर्यटन स्थल में अब गया। अच्छा। पहले तो यहाँ बगल की कमेटी काम करती थी। अच्छा अच्छा, मतलब जो लोकल कमेटी है, लोकल लोग, इको पर्यटन स्थल बन गया है। अच्छा। तो इसका भी मन्नत जो है, यहाँ मन्नत लगभग 80-85% पूरी हो जाती है लोगों की मन्नत पूरी होती है। अच्छा। इस वजह से यहाँ काफी भीड़ लगता है। अब मन्नत जो मानता है वो बकरा मानता है। अच्छा। बकरा बलि प्रथा है यहाँ, तो बलि यहीं चढ़ता है या बलि यहाँ नहीं चढ़ता है, यहाँ तो सिर्फ संकल्प पूजा संकल्प हो जाता है, प्रसाद के तौर पे आता है, नीचे जाता है अपना बकरा बनाता है, ईट को खिलाता है, पूजा बस पूजा, बकरा का पूजा नहीं होता है यार, जो जिसका मन्नत है उसी का पूजा। मतलब मन्नत पूरा होने के बाद हो गया और हम मतलब बलि चढ़ाएंगे माता के नाम पे, वो बलि चढ़ जाता है, बलि चढ़ाता है, वो भी नीचे जहाँ इको पर्यटन स्थल लिखा हुआ है, उसी के पास, मतलब यहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर। धन्यवाद बाबा। ये वाटरफॉल यहाँ से आता है और ये झूला पुल का पूरा खेल। 4 बजे बंद हो जाएगा, बंद होने का टाइम हो गया, आदमी नहीं आ रहे हैं, बंद हो जाएगा तुरंत बंद। तुतला भवानी की जय, तुतला भवानी की जय। ओके, तो ये जो पहाड़ है इसका मान्यता कुछ इस तरीके से है कि अगर आप यहाँ पे आके और ऐसे पहाड़ बनाते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है, और यहाँ का मानना ये है कि अगर आपको कुछ घर बनाना है तो आपका घर भी बनेगा, अगर यहाँ से जाते जाते वक्त अगर ये गिरता नहीं है तो ये कुछ ऐसा है, जहाँ देखेंगे वहाँ इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ का मान्यता है और पूजा हो गया काफ़ी अच्छा। ये आवाज़ बंदर का, चलिए 3 बज रहा है ना, 4 बजे ये बंद हो जाता है। तो पूजा हो गया, घूमना हो गया, काफ़ी अच्छा था। और आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं ये पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अभी भी फ़िलहाल हम लोग हैं यहीं पर,
जाने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी जाना है। तो अभी पता है अभी भी क्या लग रहा है कि हिल रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा है बॉडी। कोई बात नहीं।